और ये जो नहीं ले गए हम, दो साल की हमें छूट भी नहीं मिल रही और चार साल की भर्ती निकाल रहे हैं। छह छह साल के मेहनत करते हो गए, हमें क्या करेंगे चार साल में, यहीं पे कुमार खा लेंगे। सभी को दिखता है कोई नेता का बेटा नौकरी नहीं करता फौज की, हम गरीब लोग करते हैं, गरीब बच्चों की नौकरी है ये। हम चार साल के लिए हमें मजदूर बना रहे हैं, हमारी मेहनत हो गई खत्म, बोरियत हो गए, हम कहां जाएंगे। ये टीओटी लगा के हमें चूरो ही नौकरी करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा है, तुमने तुम्हारी बात रख ली सर जी, बात रख ली आपकी, अच्छी बात है। सुन लो, हमारी ना मांगे पूरी कर दो, हमें बस कुछ पूरी करें, थोड़ी करेंगे दो, मैसेज पूछना चाहिए आपको, मैसेज करना चाहिए, थोड़ी करेंगे मांग पूरी। तुम्हारी बात को तुम्हारे वो दो रोड के पास से सही है, ठीक है, पत्रकार आ गए तो हम भी लिख के भेज देंगे। हां ये भेजो, लेकिन अगर तुमने अभी मेरी जानकारी में आया कोई बस किसी से तोड़े क्या, तुम्हारे ध्यान रख लो, नौकरी लगने के तो बाद सपने दूर हो जाएंगे और लेने के देने पड़ जाएंगे। ध्यान रखो, मैं फिर कह रहा हूँ सर जी, हमारी रिक्वेस्ट ये है, हम चल जाएंगे। अरे सुन मेरी बात, पिताजी की नहीं है अपनी, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो ना, सरकार की बस का खुदा तोड़ना चाहे किसी की भी, चाहे दुकान पे से लूट खसोट तोड़ना, ये गलत है बेटा। नौ बाप तो बेचारा कैसे कमा रहे हैं, सही साहब, लेने रोड से साइड में मेरी बात, ये नौकरी का ठीक है, तुम्हारी मांग है, तुम रख रहे हो अच्छे तरीके से, रखना चाहिए, बतानी चाहिए अपनी बात, लेकिन ये बंदरगिरी और ये भरोसा बदलना, एक मुकदमा लग गया ना 3PDPP का, जिंदगी भर पिताजी भुगते हैं और तुम भुगते हो, समझ गए मेरी बात। तुमने तुम्हारी बात रख ली, ठीक है, नौकरी में अगर कोई दिक्कत आ रही है तुमने, तुम वहाँ तक बात पहुँचा तो हम भी लिख के भेज देंगे, हम भी कलेक्टर साहब को लिख के भेज देंगे, लेकिन शांति से अब वो चले गए, अपने घर सीधे चले जाइए, और नहीं तो भैया अगर तुमने अब कर दिया, हालांकि वो भी हम पता कर लेंगे, तुम चाहे कितने ही मुंह बांध लो, पुलिस जमीन के 10 फीट गड्ढे से लिया, जानते हो ना। तो बेटा नौकरी लगने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, ये कानून हाथ मत, समझ गए मेरी बात। चुपचाप शांति से, और तुमने दिखा दिया, तुमने विरोध कर लिया।